हाँ जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हाल्डेन इफेक्ट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हाल्डेन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि एल्वियोलाई के लेवल पर जब ब्लड जो है सारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर एल्वियोलाई तक आ जाता है, तो उस टाइम पर अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीहीमोग्लोबिन की अमाउंट कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई। ये जो है इफेक्ट जो है कम ऑक्सीहीमोग्लोबिन होने पर ही कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना, ये किसने जो है बताया था? हाल्डेन ने, एंड इट इज नोन एज हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एक मिनट में कितनी बार हम लोग सांस लेते हैं? एक मिनट में कितनी बार सांस? 12 to 16 टाइम्स। चलो 14 to 18 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, इतना नॉर्मल है लेना। ठीक है, हर बार ये सारा प्रोसेस जो आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? ऑक्सीजन हमने इन की, हमारी इंस्पिरेटरी मसल्स, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स ने काम किया। ठीक है, लंग्स की कैपेसिटी वॉल्यूम बढ़ गई, एयर हमने इन कर ली, फिर वो कहाँ गई? उसमें से ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई के अंदर पहुंची, एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर गई, ब्लड के अंदर जाकर उसने क्या बना दिया? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता गया, कहाँ पहुंचा? टिश्यूज तक। टिश्यूज ने क्या कहा? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पड़ी है, इसे रख लो और ऑक्सीजन हमें दे दो। तो ब्लड ने अपनी ऑक्सीहीमोग्लोबिन को तोड़ दिया, हीमोग्लोबिन अपने पास ही रख लिया, ऑक्सीजन किसको दे दी? सेल को दे दी। सेल ने ऑक्सीजन रख ली, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। कार्बन डाइऑक्साइड उसने तीन तरीके से दी, तीनों तरीके की कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड के थ्रू फिर से फ्लो हुई। फ्लो होते होते कहां पहुंची? एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई में जाकर तीनों तरीके के जो कंपाउंड थे कार्बन डाइऑक्साइड के टूट गए, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। कार्बोनिक एसिड टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और ये तीनों तरीके से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एल्वियोलाई में डंप कर दिया गया, ताकि इसको बाहर निकाल दो, बॉडी के बाहर निकाल दो, हमें ये नहीं चाहिए। अब तक हमने पिछले तीन लेक्चर्स में जो सारा पढ़ा वो प्रोसेस हम एक मिनट के अंदर 14 से 18 बार करते हैं। एक प्रोसेस को पढ़ने में हमें इतना टाइम लग गया, समझने में इतना टाइम लग गया, होता कितनी बार है? एक मिनट में 14 से 18 बार। ऐसे ही ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता रहता है, कार्बोनिक एसिड बनता रहता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है ब्लड के अंदर, बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, कितनी बार? 14 to 18 टाइम्स। ये सारा प्रोसेस हमारे अंदर चलता रहता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अब इस सारे प्रोसेस को लगातार 14 से 18 बार एक मिनट तक चलाना, ये भी तो किसी ना किसी का काम होगा जो ये देखेगा कि हाँ ये सारा कुछ जो है एज इट इज चलता रहे, इसी प्रोसेस में, ऐसे ही सीक्वेंस में ये सारा काम होता रहे। इसे हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन की यही रेगुलेशन दो तरह की होती है, एक है न्यूरल रेगुलेशन और एक है केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन यानी कि नर्वस सिस्टम के थ्रू, जिसके लिए हमारे पास क्या है? ब्रेन। और केमिकल रेगुलेशन, इसके लिए हमारे पास क्या है? कुछ जो है कैरोटिड और एओर्टा पर लगे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो रिसेप्टर्स हैं, कैरोटिड रिसेप्टर्स या एओर्टिक रिसेप्टर्स, वो केमिकल रेगुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरल रेगुलेशन कैसे होती है। हमारी ब्रीथिंग, हमारी रेस्पिरेशन की न्यूरल कंट्रोल क्या है? तो मैं एक बार ही रफ सा आपके सामने एक ब्रेन बना रही हूं। एक रफ सा मैंने इसका ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है आपके सामने। ब्रेन का ये पार्ट जो है, दिस इज नोन एज पॉन्स वेरोलाई।
और इसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है ना, इसके ऊपर हमारे होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं। अब रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, कई सारे नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स का एक ग्रुप है जो मिलकर क्या बनाता है? रेस्पिरेटरी सेंटर। तो कई सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो मिलकर रेस्पिरेटरी सेंटर बना रहे हैं पॉन्स वेरुलाई के अंदर और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के अंदर। इनमें से कुछ ग्रुप जो है वो हमें इंस्पिरेशन करवाता है, एयर को इन कराता है, और कुछ ग्रुप ऐसा है जो एक्सपिरेशन कराता है, ठीक है। लेकिन ये कहां पर है? हमारे हाइंड ब्रेन के अंदर। तो न्यूरल कंट्रोल में अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के रेस्पिरेटरी ग्रुप होते हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एक तीसरा और होता है, दैट इज नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इन पॉन्स डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है उसका काम क्या है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हमारी बेसिक रिदम को बनाता है। बेसिक रिदम मतलब रिदम समझते हैं आप लोग, जैसे गाने में जो है एक म्यूजिक बज रहा होता है, हम कहते हैं ना इसमें एक रिदम है, एक ताल है। बिल्कुल हमारी रेस्पिरेशन की भी एक ताल, यानी कि इतने ही रेट पर ब्रीथिंग हर मिनट चलती रहेगी। अगर मैं एक मिनट में 16 बार सांस ले रही हूँ तो 16 बार ही ये रेगुलेट रहेगा। अगले मिनट में भी मैं 16 बार ही सांस लूंगी। अगर मैं बहुत डीप सांस ले रही हूँ तो मैं डीप ही लूंगी, अगर मैं मीडियम ले रही हूँ तो मीडियम, अगर मैं बहुत ही छोटे छोटे सांस ले रही हूँ तो मैं छोटे ही सांस लूंगी। जो रिदम है उसको मेंटेन करके रखना किसका काम है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, कई सारे न्यूरॉन्स ने मिलकर ये काम अपनी जिम्मे ले लिया है कि हम रेस्पिरेशन के रिदम को बनाकर रखेंगे। दूसरा है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में क्या है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो हमारे जो भी जो बेसिक रिदम है उसमें हमें कोई नहीं जो है रोल प्ले करता। इसका मेन रोल क्या है? जब हमारी जो ब्रीथिंग है वो एनहांस हो जाती है, मींस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे हम कहीं से भाग कर आ रहे हैं, हाँफ रहे हैं बहुत ज्यादा, कोई हमने स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर दी है, तो उस टाइम पर हमारी ब्रीथिंग ज्यादा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए ये कौन कंट्रोल करता है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तीसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है? ये हमारे जो कीमोरिसेप्टर्स हैं, जो केमिकल हमारी रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करता है। जो हमारे कीमोरिसेप्टर्स हैं ये उनको एक्टिवेट करता है। कब एक्टिवेट करेगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है? वो हमारे ब्लड को चेक करता रहता है। जब कभी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है, हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होकर ये क्या करता है? हमारे कीमोरिसेप्टर्स को जगा देता है। कीमोरिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं हमारे? वो हमारी करते हैं केमिकल रेगुलेशन। कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो होते हैं, ये एक छोटा सा यहां पर मैं आपको हार्ट भी बनाकर दिखा रही हूं। हार्ट में से एओर्टा ऐसे निकलती है, ये तो पता है सबको। एओर्टा का पता है सबको? यस मैम। हार्ट में से बाहर निकलती है एक मोटी सारी ये आर्टरी, दैट इज एओर्टा, ठीक है। एओर्टा इस तरह से एक आर्क बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एओर्टिक आर्च। तो इस एओर्टिक आर्च पर होते हैं कीमोरिसेप्टर्स, जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को चेक करते हैं। और दूसरे इस तरह के कीमोरिसेप्टर्स होते हैं यहाँ नेक में, इसी में से निकलती हैं, हार्ट में से ही निकलती हैं हमारे कैरोटिड आर्टरीज, राइट एंड
लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, और इन कैरोटिड आर्टरी के ऊपर भी होते हैं ये कीमो रिसेप्टर्स। तो ये दोनों कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जब कभी मान लो कि आप बहुत रनिंग करके आए हो, 2-3 किलोमीटर आपने रनिंग कर ली, उसके बाद क्या होता है, आप कैसे लगता है कि अब सांस नहीं आ रहा है, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपने ब्रीथ इन कम किया, ठीक है, और अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन आपने काम बहुत किया, यानी कि आपके बॉडी के टिश्यूज ने ग्लूकोज को जला दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी इकट्ठी कर ली। अब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होगी, ब्रीथिंग आपसे हो नहीं रही क्योंकि आप तेज चल रहे हो, टाइम ही नहीं मिल रहा रेस्पिरेटरी सेंटर को रेगुलेट करने का, आपको वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप काम कर रहा है, वो कह रहा है ठीक है बस चलते जाओ मैं चला लूंगा एक बार, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप कहते हो बस अब मैं नहीं चल सकता। या फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले मैंने आपको बोला था कि हम अपनी सांस को रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन इतनी देर के लिए नहीं रोक सकते कि हम मर जाए। कोई अपनी डेथ खुद इस तरह से डिसाइड नहीं कर सकता कि मैंने अपनी सांस रोक ली, तब तक रोक लूंगा जब तक कि मैं मरता नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो हमारे जो ये कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च पर जो कीमोरिसेप्टर्स हैं वो इमिडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होकर ये ब्रेन के पॉन्स वाले एरिया से इम्पल्स लेकर आते हैं, इतनी तेजी से जर्क्स में इम्पल्स आते हैं कि आप चाहो चाहे ना चाहो आपको ब्रीथिंग करनी ही पड़ेगी, और वो भी क्या, ब्रीथ आउट एक्सपायरेशन, क्योंकि ब्रेन क्या चाहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में टॉक्सिन की तरह जहर की तरह काम कर सकती है, क्योंकि आप भाग कर आए हो, आपने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बना ली है, तो उसको बाहर निकालना ही है। इसके लिए ब्रेन जो है जर्क्स की फॉर्म में बहुत तेजी से रिफ्लेक्सेस देता है, और वो रिफ्लेक्सेस जो इम्पल्सेस हैं वो इतनी तेजी से आते हैं कि आप हाँफते हैं ना, इस तरह से सांस लेते हैं, छोटी छोटी सी ब्रीथिंग होती है, आप ब्रीथ इन थोड़ा कर रहे हो, ब्रीथ आउट ज्यादा कर रहे हो, ध्यान देना इस बात पर, यू आर ब्रीथिंग इन लेस एंड ब्रीथिंग आउट मोर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को सारी बाहर निकालना है। साथ साथ में कभी ये सोचा है, देखो कभी ऐसा भी नहीं, आपने सुना होगा, हो ही नहीं सकता एक्चुअली ऐसा, कि किसी ने इतनी ज्यादा सांस ले ली कि उसके लंग्स फट गए, इट कैन नेवर हैपन, हो ही नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा के कर लो, लंग कैपेसिटी फिक्स है, इतनी लंग कैपेसिटी के बाहर आप ब्रीथिंग नहीं कर सकते हो। तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकालनी है तो वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, लेकिन ऑक्सीजन अभी कम आ रही है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के बॉडी चला लेगी, लेकिन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा नहीं होने देती। प्रायोरिटी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो मेरे पास, ऑक्सीजन भले आए नहीं है, वो बॉडी को नहीं पता कि ऑक्सीजन नहीं आए तो मर जाओगे, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसको प्रेजेंट दिखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, मुझे इसको बाहर फेंकना है बस। तो वो ब्रीथ आउट ज्यादा करवाती है, ब्रीथ इन कम करवाती है। अगर मान लो ब्रीथ इन भी उतना ज्यादा कर ले तो ये लंग कैपेसिटीज के अबव चला जाएगा। इस केस में अगर ऐसा होता तो क्या होता, आप किसी की डेथ ऐसे भी सुनते भी, वो फलाना फलाना आदमी था जी, वो 5 किलोमीटर जॉगिंग करके आया और सांस चढ़ी हुई थी, उसे ज्यादा सांस ले लिया, लंग्स फट गई, मर गया। बट ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी इस चीज को रेगुलेट करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पहले सारा बाहर निकालो, देन छोटे छोटे सांस लेके ऑक्सीजन को इन करो, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी उतनी ही रहनी है। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ आ गया बेटा? यस मैम। कीमोरिसेप्टर, आपको जो नीट में क्वेश्चन आता है वो आता है कीमोरिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टिक आर्च पर होते हैं। ठीक है, केमिकल रेगुलेशन, और इसके बारे में अगर आपका देखें तो न्यूरल रेगुलेशन के बारे में जो आपका आता है उसके बारे में आपका पूछा जाता है कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो कहाँ से ऑपरेट करता है, तो पॉन्स वेरोलाई से। ये हम जब पॉन्स वेरोलाई पढ़ेंगे तब भी इसमें ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होती है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। नाउ डिसऑर्डर्स, डिजीजेस कौन सी हैं जो कि ब्रीथिंग से रिलेटेड है। सबसे कॉमन जो बहुत लोगों को होती है दैट इज ब्रोंकाइटिस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब मौसम बदलता है तो उस टाइम पर उनको जो है चेस्ट में इंफेक्शन, बुखार, खांसी, ये सब शुरू हो जाता है। मैंने आपको बोला था आइटिस मींस इंफेक्शन, तो ब्रोंकाइटिस मींस
bronchioles, bronchi, इन सब की इंफेक्शन होना इज ब्रोंकाइटिस। अगर आपको कभी खांसी हो और बलगम आने लगे, चेस्ट में भी, हम कहते हैं ना छाती में भी इंफेक्शन हो गई है, दैट इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि कोई भी पॉल्यूटेंट्स जो एक पर्टिकुलर जो है सीजन में आते हैं, या कोई भी मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अंगीठी जलाकर कोई कमरे में बैठा है, तो उस केस में जो ये सारे पॉल्यूटेंट्स ये चीजें हैं ये हमारे ब्रोंकाई में जाकर जम जाती हैं और कर देती हैं इन्फेक्शन। इसकी वजह से ब्रीथिंग करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये वॉल है, ये ब्रोंकस है, अगर इस पर कोई चीज आकर जम गई तो इसके अंदर का रास्ता क्या है, कम हो गया, और रास्ता कम हो गया तो मतलब एयर का इन और आउट होना कम हो गया, और इसकी वजह से ब्रीथिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है। ट्रीटमेंट इसका क्या किया जाता है, इसमें हम ऐसी दवाइयां देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। डायलेट करना मतलब फैला देना। हम ऐसी दवाइयां देते हैं जिसके लिए कुछ घंटों के लिए ये सारे ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स जो है वो फैल जाते हैं, तो एयर के आने जाने का रास्ता जो है वो बढ़ जाता है। ये ब्रोंको डायलेटर्स जो है ये इनहेलर्स की फॉर्म में भी आते हैं। आपने देखा होगा अस्थमा के पेशेंट इस तरह से इनहेलर लेते हैं, एक कैप्सूल डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, उसके अंदर इनहेल करते हैं और उसके बाद उनको सांस आराम से आने लगता है। तो उसके अंदर जो दवाइयां होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रोंको डायलेटर। इनहेलर्स भी हो सकते हैं, सिरप्स भी होते हैं, ऐसे टैबलेट्स भी होती हैं जो कि ब्रोंको डायलेटर्स का काम करती हैं। ठीक है, दूसरी डिजीज सबने सुना होगा अस्थमा, दमा जिसको हम बोलते हैं अस्थमा की प्रॉब्लम, एक्चुअली इट इज नोन एज ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा क्या है, अस्थमा इंफेक्शन नहीं होती, अस्थमा इज एन एलर्जी। एलर्जी समझते हो क्या होता है, क्या होती है एलर्जी? एलर्जी को हम बोलते हैं अल्लाह की मर्जी। कभी भी जिंदगी में किसी को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, इसीलिए इसको कहा जाता है अल्लाह की मर्जी। पता नहीं कब लोगों को दूध से, पानी से, वीट से, पता नहीं कॉमन सी चीजों से जो हम डेली सालों तक खाते रहते, अचानक ही उससे एलर्जी हो जाती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्लाह की मर्जी। हमारे मेडिसिन के सर थे ना, एलर्जी पढ़ाते थे, वो हमें कहते थे एलर्जी इज अल्लाह की मर्जी। जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज से किसी को भी एलर्जी हो सकती है। तो बेसिकली हवा में जो पॉलन्स हैं या हेयर हैं, घर में पेट्स हैं उनके हेयर हैं, किसी भी चीज से जो है एलर्जी किसी को हो सकती है, और वो एलर्जी जो है वो ब्रोंकाई में अगर चली जाए, ब्रोंकाई को इरिटेट करे, तो हो जाता है अस्थमा। अस्थमा की बड़ी अच्छी पहचान है कि जब अस्थमेटिक पेशेंट जो है वो सांस लेता है तो सीढ़ियों की आवाज आती है, ब्रोंकाइटिस में ऐसा नहीं होगा। तो आप दूर से देख के पहचान सकते हैं कि आवाज में से सीटियां सी बज रही है, इसका मतलब ये अस्थमा है। ठीक है, तो शॉर्ट जो मसल्स जो है वो हमारी उसमें क्या होता है, स्पाजम हो जाता है। कभी किसी को देखा है अस्थमा का अटैक हुआ हो तो वो एकदम से क्या होता है, वो बिल्कुल सांस छोड़ ही नहीं पाता, वहीं का वहीं उसका अटक जाता है, उसकी मसल्स में स्पाजम, यानी कि एक तरह से जकड़ाहट हो जाती है। कौन सी मसल्स में, जो हमारी ब्रीथिंग की मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, उनमें स्पाजम हो जाता है, यानी कि वो जकड़ जाती है। अब ना वो एक्सपैंड कर रही है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वहीं पे रुक गई है उनकी। इस वजह से पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर पाता और वो एकदम से लाल हो जाता है, खांसी करने लगता है कि और ज्यादा से ज्यादा मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की कोशिश करूँ। इसके अलावा म्यूकस यानी कि बलगम सी बनती है, हरी पीले रंग की बलगम उसके अंदर बनती है। ट्रीटमेंट क्या है, जो एलर्जन है, जिस चीज से एलर्जी है उसके एक्सपोजर को रोक दिया जाए, उससे दूर कर दो पेशेंट को। एंड दूसरा ब्रोंको डायलेटर्स, ब्रोंकियोल्स को डायलेट करने वाली दवाइयां दे दो। एमरजेंसी कंडीशन है तो कुछ एंटीबायोटिक्स भी दिए जा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट हो सकती है अस्थमा की। नेक्स्ट डिजीज है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए स्मोक कर रहे हैं, सालों से स्मोक कर रहे हैं, उनके एल्वोलाई की अंदर की वॉल पर निकोटीन नाम का सब्सटेंस जो कि सिगरेट के धुएं में होता है वो जम जाता है। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक बलून है और आपने इसको अंदर से पेंट कर दिया,
अब आप इसको फुलाओगे तो ये उतना बड़ा नहीं फूलेगा जितना बिना पेंट के वो बलून फूलता है। तो अगर यहाँ पर एक तरह से निकोटीन का पेंट हो गया अंदर, तो आप एयर के अंदर आने की जगह जो है वो पहले से कंपैरेटिवली कम हो गई, लेस स्पेस फॉर एयर, तो गैसियस एक्सचेंज कम हो गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। इसके कारण लंग का टिश्यू जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है धीरे धीरे। ये टिश्यू जो है वो अब इसमें जम जम कर इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये परमानेंटली एल्वोलाई जो है वो इतने ही साइज का रह जाएगा, ये कभी एक्सपैंड हो ही नहीं पाता। हमने क्या पढ़ा था, हम ब्रीथ इन करते हैं तो एल्वोलाई एक्सपैंड कर जाता है इस तरह से, ब्रीथ आउट करते हैं तो श्रिंक कर जाता है, तो ये प्रोसेस अब खत्म हो जाता है। इस चीज का हमारे पास फुली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ टाइम के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स जो है वो आराम दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। स्मोकिंग जो है ऐसे पर्सन को छोड़नी पड़ती है, नहीं तो ये जमा हुआ सब्सटेंस धीरे धीरे कैंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है न्यूमोनिया, जो अब आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते हैं न्यूमोनिया। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से हो सकता है हमें न्यूमोनिया। ठीक है, ज्यादातर जो करता है बैक्टीरिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इस बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होता है। लेकिन प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमें कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, निमोनिया में जो हमारे एल्वोलाई हैं वो फंक्शन लेस हो जाते हैं। अगेन एक्सपैंड रिलैक्स, एक्सपैंड जो इनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन की प्रोसेस जो है खत्म हो जाती है। बदले में एल्वोलाई के अंदर, जिसके अंदर एयर होनी चाहिए थी, अब उसके अंदर क्या भरा पड़ा है, फ्लूइड। ये फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई पानी के अंदर गया नोज के थ्रू, वो फ्लूइड उसके एल्वोलाई के अंदर आ गया, उसके कारण इन्फेक्शन ही हो गई। दूसरा हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस अपने टॉक्सिन्स बनाते हैं, तो ये टॉक्सिन से ये अंदर जो है एल्वोलाई भर जाता है। अब अंदर पानी भरा हुआ है, अब आप ऐसे इमेजिन करो कि एक बलून है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब आप इसके अंदर एयर डालोगे तो एयर नहीं जाएगी, ना ही वो इन्फ्लेट होगा, फैलेगा भी नहीं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, निमोनिया। ट्रीटमेंट क्या है इसका, एंटीबायोटिक्स, हॉस्पिटलाइज करके एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। कुछ ऐसी डिजीजेस भी हैं विच आर ऑक्यूपेशनल, यानी कि पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की वजह से होती हैं, जैसे कि एस्बेस्टोसिस, जो शीशा वगैरह बनाते हैं वहां पर जो एस्बेस्टोस एक डस्ट होती है, सिलिकोसिस, सिलिका से हम बनाते हैं ग्लास, मिरर वगैरह, तो सिलिका की जो डस्ट है, जो लोग वहां काम करते हैं लगातार उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती है और उनको सिलिकोसिस, जिसमें उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही एस्बेस्टोस डस्ट से एस्बेस्टोसिस हो सकती है डिजीज। अगेन इसमें भी सांस लेना मुश्किल होता है। ट्रीटमेंट इसका भी हमारे पास एक ही है, ब्रोंकोडायलेटर्स, लेकिन हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। ऐसी जगह में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या चाहिए, वो हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर लें और अपने लंग्स को आराम दें। दूसरा, प्रॉपर जो है अपनी यूनिफॉर्म और प्रोटेक्शन जो है वो लेकर जाएं, यानी कि आंखों पे, नोज पे, सभी जगह जो अपने वो कवर करके अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं। ऐसे जो है लोगों को 10 साल से ज्यादा ऐसी जगह पर काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये डिजीजेस उनके अंदर डेवलप हो ही जाएंगी। ठीक है, और धीरे धीरे ये आगे चलकर क्या बन सकती है, कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो इसका टेम्परेरीली ब्रोंकोडायलेटर्स और एंटीबायोटिक्स देकर हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये थे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम करेंगे जो है सर्कुलेशन वाला चैप्टर फ्रॉम